देखिए सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए, आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में, निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। हाँ सिद्धार्थ सर, राहुल सर प्लीज मैडम एक मिनट। मैडम मैडम आप लोकतंत्र को समझिए, ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है, मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए,